गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड जो है हमारा ड्रेनेज। सो ड्रेनेज का हम लोगों ने पूरा चैप्टर एंड पे आ चुका है, बस एक टॉपिक बाकी है रिवर पॉल्यूशन, वो हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं। देन मैं आप लोगों का क्या दे दूँगी, नोट्स दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर दे दूँगी। लेकिन हाँ, नोट्स जो दूँगी सेम टू सेम नोट्स लिखना, ऐसा नहीं कि इधर से नोट्स ले लिया फिर उधर से ले लिया, क्योंकि देखो जब आप एक ही जगह से नोट्स लोगे तो क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था और एकदम इजी नोट्स है, एकदम बड़ा बड़ा टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स है जो आप लोग पढ़ोगे बोलोगे हाँ मेरे को अच्छे से याद हो गया, ऐसा नोट्स है। सो प्लीज़ आप लोग नोट्स भी देख लेना, क्वेश्चन आंसर भी जो डाल दूंगी वो भी देख लेना। क्वेश्चन आंसर मैं सारा कॉपी पे वगैरह है, कॉपी वगैरह पे किया था वो सारा है। सो वो फिर से मैं वही डाल दूंगी, आप लोग उसे भी कर लेना और अच्छे से करना, जिसके कारण आप लोगों को समझ में भी आए कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं। जैसे जैसे मैंने लिखा था लाइन वगैरह छोड़ के, ऐसे ही आपने भी लिखना है लाइन छोड़ के। ओके, जैसा जैसा मतलब आप लोग जब वीडियो देखोगे तो समझ में ही आ जाएगा। देन अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिवर पॉल्यूशन बिना किसी देरी के। सो रिवर पॉल्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट में बता देने को कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लेकिन कमेंट तो नहीं आया। सो मे बी वैसे न्यू चैनल है तो थोड़ा ये होगा मुझे, बट कोई बात नहीं, आप लोग बस अपना प्यार देते रहना। कमेंट का क्या है, बस आप लोग देख दो और समझो और पढ़ो, बस यही चाहिए। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवर पॉल्यूशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड ऑफ वाटर एंड राइज रिवर्स नेचुरली इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब देखो मैंने आपसे एक बात पूछना है, वो बात क्या है, रिवर पॉल्यूशन के बारे में पहले मैं खुद से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रिवर पॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, कि आदमी पहले क्या होता था, कहीं भी जाता था कोई टेंशन नहीं है, क्या कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि पानी वगैरह आदमी कहीं का भी पी लेता था, क्योंकि नदी का भी पानी इतना अच्छा होता था ना कि क्या बताऊँ। तो पहले तभी तो देखते थे कि पहले सब जाते थे नदी में पानी लेने। सो आज भी वैसा हो सकता है अगर, लेकिन इंसान चाहे तो, लेकिन कोई नहीं चाह रहा ना, जहाँ देखो वहाँ कचरा, जिधर देखो उधर कचरा। आप लोगों को बिलीव ना हो तो आप लोग जाके अपने नदी में देखना कितना सारा कचरा रहता है, एकदम मतलब बिल्कुल नदी बेकार हो चुकी है, एकदम बेकार। नदी का पानी भी हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप का हो चुका है और एकदम मतलब जब देखो उसे तो बिल्कुल अजीब लगता है। और पहले का पानी देखने से हाँ लगता था कि पानी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। रिवर पॉल्यूशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, डोमेस्टिक के कारण, इंडस्ट्रियल के कारण कैसे, डोमेस्टिक के कारण कैसे। तो अब क्या होता है कि लोग जब डोमेस्टिक कोई काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्किंग लाइक काऊ बफेलो वगैरह ये सब रखते हैं, फिर क्या करते हैं उसे जाके डायरेक्टली रिवर में धो लेते हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है, रिवर में धो लिया वो कितना गंदा था, उससे भी रिवर पॉल्यूट हो गया। हाँ ऐसा करना चाहिए कि पानी ले लो कोई चीज़ में फिर उसे धो, वो अलग बात है, लेकिन जब वो नदी में जाती हैं फिर ये भी तो हो सकता ना कितना उसमें वेस्ट मटीरियल भी अपना वो मतलब अपने बॉडी से निकाल सकती है, इससे भी वाटर पॉल्यूशन हो गया, रिवर पॉल्यूशन हो गया। देन हमारा इंडस्ट्री में क्या था, इंडस्ट्री मिल था कि हम सब जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जितना उसका इंसल्ट करें इंडस्ट्री का उतना कम है, बिकॉज इंडस्ट्री में क्या होता है, बिल्कुल धुआं निकलता है, उससे क्या होता है हमारा एनवायरमेंट एकदम पॉल्यूटेड होता ही है। जब उसमें पानी का यूज होता है, पानी वगैरह का इंडस्ट्री में भी वाटर का यूज होता है, ओके, तो वाटर का यूज होने के बाद क्या होता है, फिर वो वाटर कहाँ करता है, वो नदी में जाके फेंक देता है। आप लोग ऐसा अक्सर देखते होंगे कि जो इंडस्ट्री होता है अक्सर वो नदी के आगे होता है, उसके पीछे क्या होती है हमारी रिवर होती है, जिसके कारण फैक्ट्री का पूरा गंदा उस नदी में जाके गिरता है। और वहाँ का पानी देख लेना आप लोगों को ब्लैक ब्लैक हल्का दिखेगा धुआं वगैरह के कारण,
ये समझ में आ गया रिवर पॉल्यूशन के बारे में। सो यहाँ तक यही था कि एग्रीकल्चर से भी होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ से। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज ड्रेंड आउट ऑफ रिवर रिड्यूस देयर वॉल्यूम। बहुत सारे जो ड्रेंड मतलब बहुत सारे रिवर है वो अपना क्या कर रहे, वॉल्यूम कम होता जा रहा है उनका। ऑन द अदर हैंड अ हेवी लोड ऑफ अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ एक्टिविटी टाइप का कुछ दिया हुआ है। नेशनल रिवर कंज्यूम प्लान, ये हम लोग बाद में कब पढ़ लेंगे, पहले हम लोग इधर का कर लेते हैं। ओके, सो लोड एंड अनट्रेलटेड स्विस एंड इंडस्ट्रियल इफ्यूएंसी आर इम्पिंटेड इन टू रिवर। मतलब जितना भी स्वेट्स वगैरह गंदगी वगैरह होता है सब हम लोग कहाँ रख देते हैं, रिवर में। दिस इफेक्ट नॉट ओनली द इक्वालिटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो द सेल्फ क्लीननेस कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये बस वाटर के साथ नहीं, इंसान के साथ भी हो रहा है। इंसान खुद को भी सेल्फ क्लीननेस नहीं कर रहा है, खुद को भी साफ सुथरा से नहीं रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल गिव द एडवेक्ट स्ट्रीम्स फॉलो द गंगा वेस्ट इज एबल टू डिल्यूट एंड असेंबलिटी पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर एंड लार्ज सिटीज। अब देखो गंगा जो है 20 किलोमीटर तक फैली हुई है बहुत बहुत बड़ी सिटी में। पहले क्या होता है मतलब गंगा नदी बिल्कुल साफ है, अभी भी गंगा नदी बहुत गंदी है, राइट, गंगा नदी बहुत गंदी है। फिर भी क्या करता है लोग, गंगा नदी का पानी लेके आता है और उसे रखता है। उसमें बात क्या होता है, गंगा नदी के पानी में क्यों कभी महकता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं लगते। लेकिन अदर पानी आप रख के देखो उसमें कीड़ा लग जाएगा। अब ये गॉड गिफ्टेड है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता, बल्कि गंगा नदी भी अभी पॉल्यूटेड हो चुकी है। गंगा नदी 20 किलोमीटर तक फैली हुई है जो भी पूरा पॉल्यूटेड है। बट द इंक्रीजिंग अनबेंस्टिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ टू हैपन, द पॉल्यूशन लेवल ऑफ रिवर हैज़ बीन राइजिंग। लेकिन यही तो मैं आप लोगों को जैसा बताई थी कि इंडस्ट्रियल वगैरह का सारा जो पानी, गंदा पानी, वो नदी में जाके गिरता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके कारण बहुत बहुत लार्ज एरिया में हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। कॉर्नर ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन रिवर लेड्स टू द लॉन्चिंग ऑफ वायरस एक्शन प्लेन क्लीन द रिवर्स। फिर क्या होता है, रिवर को वो क्या करती हैं, क्लीन करती हैं, प्लेन्स टू क्लीन द रिवर। हम लोगों को क्लीन रिवर को रखना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट द एक्शन प्लान, क्या तुम लोगों ने एक्शन प्लान के बारे में सुना है। डू यू हाउ डज आवर हेल्थ गेट इफेक्टेड बाई पॉल्यूटेड रिवर वाटर। हम लोगों का जो हेल्थ है मतलब स्वास्थ्य है वो कैसे खराब हो रहा है, पॉल्यूटेड मतलब जो नदी वगैरह है वो पॉल्यूट हो गई है तो कैसे खराब हो रहा है। कि अभी भी जो हम लोग पानी पीते हैं ना, धीरे धीरे पानी बहुत जगह पानी क्या है कम से कम आ रहा है, बहुत जगह आदमी पानी खरीद के पी रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, हमारे रिवर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है कि आदमी को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, राइट। ऐसा कहाँ तक, जैसे यहाँ पे दरभंगा में भी हो गया था, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी सिद्धारा वगैरह हर जगह, मतलब सिद्धारा हो गया, कैदराबाद, मतलब बहुत सारे जगह पे पानी आना बंद हो गया था, जिसके कारण लोगों को 2-3 दिन में पता ही चल गया होगा कि वाटर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर भी लोग नहीं समझे, फिर भी लोग वही काम कर रहे हैं। सो वाटर से अब हमारा हेल्थ कैसे सही नहीं है, क्योंकि देखो वाटर जब अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग वही वाटर को इरिगेशन करके मतलब साफ सुथरा करके क्या करते हैं, पीते हैं, उसी पानी को पीते हैं, लेकिन वो भी पानी बिल्कुल प्योर नहीं होता है। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विथ फ्रेश वाटर। ह्यूमन बींग्स, इंसान को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, वो भी फ्रेश वाटर के साथ। अरेंज द डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन क्लास। अब इसमें डिबेट करने को बोल रहा है इस टॉपिक को लेके क्लास में। अब देखो डिबेट क्या होता है, डिबेट मतलब वाटर को लेके कोई अच्छा बोलेगा, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया है, एक बोलेगा वाटर पॉल्यूशन नहीं हुआ है, दूसरा बोलेगा पहले वाटर फ्रेश था तो ऐसा होता था, फिर ये बोलेगा इधर वाटर फ्रेश नहीं है तो ऐसा हो रहा है, इसी को हम लोग डिबेट बोलते हैं। देन अब हम लोगों का एक टॉपिक बच गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ओके, जो नीचे दिया अभी था।
इसका शॉर्ट नेम है NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, द एक्टिविटी ऑफ गंगा एक्शन प्लान GAP, गंगा एक्शन प्लान शॉर्ट नेम GAP, फेजेस वन इनिशिएटेड इन 1985। ये क्या हो गया, एक गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब इनिशिएटेड किया गया था, 1985 में, वेयर द ग्लेशियर क्लोज्ड 31 मार्च 2000, जब इसे मतलब कि क्लोज फिर इसे बंद कर दिया गया था, ये स्टार्ट हो गया था गंगा एक्शन प्लान, मतलब कि गंगा के द्वारा प्लान, मतलब कि एक्शन लिया गया था कि गंगा नदी साफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये क्लोज भी हो गया था 2000 में ही। द स्ट्रीम कम्युनिटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिसीव्ड द प्रोसेस ऑफ GAP एंड नेसेसरी करेक्शन ऑफ बेसिक लेसन लर्नड एंड एक्सपीरियंस गेंट ऑफ GAP फेजेस। फिर क्या हुआ, फिर भी मतलब सारा जो है मतलब आदमी ने थोड़ा बहुत ये किया, बेसिक थोड़ा सा सीखा उखा, लेकिन फिर से इंसान वैसा का वैसा ही हो गया। These have been applied the major pollution river country under NRCP. फिर उन्होंने एक अप्लाई भी किया था कि हमारे इधर का जो पूरा जो नदी है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान पॉल्यूटेड हो चुका है, फिर वो हम लोगों को चलाया गया। द गंगा एक्शन प्लान GAP, गंगा एक्शन नीति है फेजेस टू में, हैज बीन मर्ज इन टू NRCP, फिर उसे क्या किया जाता है, मर्ज यानी कि फिर से उसे किया जाता है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। द एक्सपेंडेड NRCP नाउ कवर 120 टाउन्स लोकेटेड अलोंग 27 इंटरस्टेट रिवर इन 16 स्टेट, लेकिन अभी वो काम कर रहा है, सो 120 टाउन्स में वो काम कर चुका है, मतलब इतना टाउन्स में वो लोकेट हो चुका है। 27 इंटरेस्टेड रिवर, मतलब 27 मतलब बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड रिवर है उन सभी के पास में 16 स्टेट में ये हो चुका है। अंडर दिस एक्शन प्लान पॉल्यूशन अबटेंट वर्कर आर बींग्स टेकन अप 57 टाउन। इसमें क्या होता है, जितने भी वर्कर्स पार्टी है वो 27 टाउन्स को पूरा कवर कर चुके हैं। अ टोटल 115 स्टेम्स ऑफ पॉल्यूशन अबिडमेंट हैव बीन स्कैंड, अभी भी जो 215 स्टेम्स है वो अभी पॉल्यूटेड है। सो फॉर 69 स्टेम्स हैव बीन कम्प्लीटली अंडर दिस एक्शन प्लान। फिर क्या हुआ कि अभी तक में अच्छा हुआ कि 69 स्टेम्स जो है हमारा इस अंडर प्लान में आ चुका है। 1 मिलियन लीटर ऑफ स्वैग इज टारगेट टू द इंटरसेप्ट डिराइव्ड एंड ट्रीटर्ड। अब इसमें देखो, इसमें मिलियंस लीटर ऑफ वाटर वगैरह लगा हुआ है, मतलब सब कुछ किए जल्दी से अपना ठीक हो जाए, जैसा था पहले वैसा अभी इंसान से सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना लोग सुधार नहीं रहा है उतना इसे खराब ही कर रहा है। अब हम लोगों का नेक्स्ट में है जो हम लोगों को एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को क्या करूँगी, पूरा दे दूँगी। ओके, कहाँ पे दे दूँगी, इसी चैनल पे, रिजर्व चैनल पे, यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करना क्लास 9th ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर। आपने नहीं, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो देखो बहुत सारे चैनल का भी आ सकता है, तो आप ऐसे करना है डायरेक्टली जैसे रिजर्व खोलते हो, रिजर्व 4 में चले जाना। रिजर्व 4 में जाने के बाद प्लेलिस्ट होता है, वहाँ पे ज्योग्राफी में देखना, तो ज्योग्राफी का चैप्टर 3rd का आप लोगों को एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर नोट्स एंड एनीथिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।